साईं जी परम दयाल की श्याम सुंदर श्री ने महारानी की भागवत भगवान की सरस्वती मात की खेड़ापति सरकार की काशी विश्वनाथ भगवान की जय गौरा महारानी की जय गणेश जी महाराज की जय संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय चिंता संतान हंता यदान यनम तन्नी चाचा नमामि यदम हृतो जन्तुवा सर्वदुःखातिगो भवे तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदयेश लीलाचीर्षीणं लक्ष्मीसहस्रनाम्नि सेवमानं कलामणि चतुर्विंशतिस्तवा षड्जायते पञ्चदायते बोल गोपाल कृष्ण भगवान की श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 गोपाल कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधा जय जय श्री राधा जय जय श्री राधा श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव में पधारे सभी वैष्णव भक्तगण, आनंदमय प्रभु की पावनमय कथा श्रीमद् भागवत, जिसके पावन प्रांगण में विराजमान श्री राम कथा के परिम रसिक औरंगाबाद से पधारे संत शिरोमणि महाराज श्री सिहोर नगर की भागवत कथा की परम रसिक साक्षी देवी जी, बद्रीनारायण जी का श्रृंगार करने वाले श्रृंगारी बाबा एवं कथा पंडाल में विराजमान सभी अतिथि एवं श्रोता भाई बहन, प्रभु की कृपा और दया जब मृत्यु लोक में मनुष्य का जन्म होता है तो उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि वो कहाँ जन्म ले रहा है। नाम भूमि, भूमि मतलब स्थान, नाम भूमि और स्थान, ये नियुक्ति जो है, हम पूर्व का जो जन्म भोग कर आते हैं, हम जो पूर्व में थे, चाहे हम जल चर में रहे हों, थल चर में रहे हों, वायु चर में रहे हों, उस भोग को भोगने के बाद हम जब मृत्यु लोक में अगला हमारा मनुष्य का जो देह मिलता है, इससे हमारे स्थान की नियुक्ति होती है, नाम की नियुक्ति होती है। आप लोगों की पत्रिका में लिखा होगा कि आपका गण कौन सा है, आप कौन सी योनि में रहे हो, पहले मनुष्य की योनि, वानर की योनि, मृगा की योनि, आपकी योनि कौन सी रही है, आपका जन्म केंद्र बिंदु कहाँ है, आप ये मन में, चित्त में, वृत्ति में ये सोचते होगे कि हमारा अगला जन्म क्या था और हम क्या बनकर जन्मे थे, या हमारे भीतर हमें क्या था। पर एक बात का ध्यान रखिए, नाम और स्थान। तुम्हारा नाम मान लो ला से निकला लीला भाई, रा से निकला राम प्रकाश, पर घर के लोगों को नहीं रखना तो वो कुछ भी नाम रखेंगे, पर विचार कर रखेंगे। स्थान बहुत देखे, मकान बहुत देखे, पर जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा, जो भूमि तुम्हारी किस्मत में लिखी होगी, वही भूमि, वही स्थान आपको उस स्थान पर खींच कर वो बुला ही लेता है। वो खींचता है आपको अपनी ओर कि तू मेरे स्थान से जुड़ा हुआ है, तू मेरा है और मेरी भूमि से लगा हुआ है, इसलिए तुझको इस स्थान पर आना है और तेरा ये नाम है। ये व्यक्ति के मन में भान की उत्पत्ति है। अन्न का एक कण भी अगर आपके भाग्य में है, और एक बात हमेशा याद रखो, अपने जीवन में उतार कर रखना कि कोई मनुष्य कभी जिंदगी में किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। अगर किस्मत बदलेगा तो आपका भाग्य, आपका कर्म और परमात्मा का आशीर्वाद, कृपा वो करता है। आपका कर्म करेगा, आपका भाग्य करेगा, आपका कर्म जितना सुंदर होगा उसके अनुसार आपको फल की अनुभूति होगी। इसलिए गीता जी में लिखा कि कर्म प्रधान है। रामचरितमानस में लिखा कि कर्म की प्रधानता है, पर न गीता जी में लिखा, न रामायण में लिखा, न भागवत में लिखा कि तुम अच्छा करो कि बुरा करो, ये नहीं लिखा। बस कहा कर्म करो। क्यों कहा? और उसमें लिख दिया जैसा कर्म करोगे तुम्हारे कर्म के अनुसार मैं फल की प्राप्ति दूंगा। ये नहीं लिखा कि अच्छा करना कि बुरा करना। उन्होंने कह दिया तुम करो। अब ये आपके ऊपर है, आप अच्छा कर रहे हो तो आने वाला समय आपका संवरता जाएगा, और यदि आपने बेकार कर्म करा तो फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर जन्मोगे, फिर मरोगे। इसलिए कोई ऐसा कर्म कर जाओ कि जिंदगी में दूसरी बार फिर आना ही नहीं पड़े, हम परमात्मा के हो जाए। क्यों जन्मे? बार बार जन्म लेने से लाभ क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। फिर लाभ क्या? एक जन्म लेकर दूसरा जन्म ले लो, दूसरा जन्म लेकर तीसरा जन्म ले लो, तीसरा जन्म लेकर चौथा जन्म ले लो, मतलब क्या उससे? उसका सार्थक क्या है? भगवान लाडली इतना तो कीजो किशोरी प्यारी, इतना तो कीजो जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। कल कथा समापन हो जाएगी। आप अपने घर, हम अपने घर, सब 7 दिन का जो मेला भरा हुआ था, ठेला भरा हुआ था, जाना है सुबह से लेकर जल्दी नहाना, सेवा करना, कथा में जाना, 2-3 बजे घर पहुंचना, फिर शाम की तैयारी, फिर रात को 10 बजे घर पहुंचना, फिर सो जाते थक बांध कर, फिर उठकर फिर तैयारी में लग जाते। ऐसा एक क्रम बन गया। एक माता जी कह रही थी गुरुजी मेरा मन नहीं लगेगा 7 दिन बाद। तो मैंने कहा क्या करूं? अब बोलने आई है तो पूछना तो पड़े। सर करूं का कि मेरा मन हो रहा है, अब मैं अकेली तो हूं, कहीं तीर्थ में जाके दे लूं। मैंने कहा माँ, हम हमेशा अपनी भागवत में कहते हैं ना हमको जोगी बनना है, ना हमको सन्यासी बनना है, ना हमको तपस्वी बनना है, ना हमको साधक बनना है, ना हमको संत बनना है, ना हमको पीठाधीश, ना हमको मठाधीश, ना मंडलेश्वर, ना फंडलेश्वर, कुछ नहीं बनना। हमको तो केवल एक गृहस्थी बनना है। क्यों? सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम, सबसे बड़ा। संत बनना सरल है, महंत बनना सरल है, घर छोड़कर तीर्थ में जाकर भजन करना सरल है, पर घर में रहकर एक माला जपना कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है घर में रहकर माला जपना, बहुत कठिन। संत तो कोई भी बन जाए। गोपियों ने अपना घर छोड़ा था क्या? अरे बोलो जम के नहीं। सिर पर घड़ा, घड़े पर झारी, झारी पर झारी, फिर झारी। 41 घड़े सिर पर रखती थी और चलती थी, ध्यान देना, पड़ोसन से बात भी कर लेती थी। सत्यनारायण मंदिर का कुआं याद कर लो, बड़े बाजार का, याद है आप लोगों को? सब्जी मंडी का कुआं याद कर लो, अब तो वो कुएं उन कहा ध्यान में। सब्जी मंडी का कुआं, सत्यनारायण मंदिर का कुआं, जगदीश मंदिर का कुआं, इन पे माताएं पानी का मटका लेकर जाती थी, सिर पे रखती थी, एक हंडा बाजू में, एक बाल्टी जिसमें रस्सी लपेटी रहती थी और साथ में, और वो पड़ोसन से बात भी करती जाती और चलती भी जाती। उसका केंद्र बिंदु जो था वो हाथ की बाल्टी और पास में रखा हुआ हंडा नहीं, उसका केंद्र बुद्धि चित्त जो थी वो उस हंडे में थी। बस यही हमको देखना है। हमारे घर में बाल्टी है, समझ लो हमारे घर में रहो, दुकान में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, पर याद रखना जैसे उस पनियारन के सिर पर मटका रखा है उसी तरह तुम्हारे सिर पर तुम्हारे सांवरिया का चरण रखा हुआ है। उस पे केंद्र बिंदु लगाकर अपने चित्त को वहां रमाकर अपनी बुद्धि को वहां लगा लो। एक गोपी का नियम था, जिस दिन से भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया उस दिन से एक गोपी क्या करती थी, रोज चलती और एक हंडा दूध का ले जाके गिरिराज बाबा को चढ़ा देती और दूध बह के नीचे आता। एक फिर चली, फिर अंडा उंडे लिया, दूसरी चली, फिर अंडा उंडे। वो रोज मटका डाल रही। और एक गोपी थी वो रोज कहती है पागलों जैसा काम करती है, रोज की रोज पूरा दूध ढोल के आ जाती है। क्यों? तेरा खसम कुछ कहता नहीं है, तेरा पति कुछ कहता नहीं है। दूध ढोलने वाला ढोल रहा, चढ़ाने वाला चढ़ा रहा, पर सुहा किसको नहीं रहा, किसी किसी। क्यों? कुछ कहता नहीं है कि नहीं, वो तो कहता है कि दो अंडे ढोल किया, एक तेरी तरफ से एक मेरी तरफ से, फिर नहीं सुहा। पर ये बता, तेरे दूध ढोलने से यहाँ कीचड़ हो जाता है, क्या लाभ उससे? उसने कहा अगर मेरे दूध ढोलने से कीचड़ होता है तो उसी का तो लाभ है कि तेरे जैसी अकड़ने वाली जब यहाँ से निकल के जाती है तो फिसल कर गिरिराज जी के चरणों में पड़ जाती है। दूध ढोलने का अगर कहीं सार तत्व है तो अकड़ने वाला उस स्थान पर गिरकर कम से कम प्रणाम तो कर रहा। भैया दुनिया में केवल एक ही देव, वो है गोवर्धन नाथ। गिरिराज बाबा को दूध चढ़ाओ तो वो दूध अपने कपड़े में लगता है, गोवर्धन नाथ जी को दूध चढ़ाओ अपने शरीर पर आएगा, जल चढ़ाओ अपने शरीर पर आएगा। एक गोवर्धन नाथ जी के अगर हम दूध चढ़ा रहे हैं तो वो अपने शरीर पर आ रहा है, जल चढ़ाना है वो अपने शरीर पर आ रहा है। क्यों? उसका कारण केवल एक है कि गिरिराज बाबा को जब दूध चढ़ाते हैं तो गोवर्धन नाथ जी भी आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। पर गिरिराज बाबा को मालूम है 40 रुपए लीटर के दूध से तू घर जाके नहाएगी नहीं, इसलिए मेरे दूध में तू नहाकर चली जा और घर पे जाके पूतो फलो, जा घर पर जाकर खूब फलो। वो खुद भिंगा कर भेजेगा, वो खुद श्रेष्ठता देकर भेजेगा। खुद कृपा कर कर भेज रहा है और यही करुणा है, यही कृपा है। आज भगवत तत्व का सार तत्व जो वर्णन कर रहा है महाराज, वो कह रहा है गोपियों का भाव संत बनने का नहीं है। गोपियां कहती हैं हम गृहस्थ में रहकर अगर भगवान का भजन करेंगी तो भगवान जल्दी मिलेगा। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, जोगी, महात्मा, पीठाधीश, मठाधीश, ये जितने भी पद हैं, इन पद वालों को पूरी पूरी ड्यूटी करना पड़ती है। समझ गए क्या? जो जिस कुर्सी पर बैठा है उसको वो ड्यूटी पूरी करना पड़ेगी, नौकरी पूरी करना पड़ेगी। अर्थात आप तो एक माला जपे तो ठीक है, नी जपे तो ठीक है, 2 बार मंत्र बोला तो ठीक है, 3 बार बोला तो ठीक है, नी बोला तो भी ठीक है, क्योंकि गृहस्थ में रह रहे हो। पर जो पद पर बैठ गया उसको तो रोज की संध्या भी करना पड़ेगी, भजन भी करना पड़ेगा और 108 माला प्रतिदिन की गायत्री की करना पड़ेगी। और अपन गृहस्थी में रहने वाले करो मत करो, इसलिए वल्लभ कुल की बलिहारी है, क्योंकि वल्लभ कुल सब ग्रस्त में है। और उन्होंने कह दिया महाराज, श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा मेरे कुल में रहने वाले, मेरे वंश में रहने वाले भजन करेंगे, घर में रहकर थोड़ा भी करा तो उसका लाभ बहुता में प्राप्त होता है। थोड़ा नहीं मिलेगा, बहुत। बहुत घर में रहकर भी भगवत चित्त धारण। क्योंकि एक अवस्था की अनुकूलता होती। चली जा रही है उम्र ही। आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो, छठा। कल कौन सा दिन है? 7वां। कथा समापन। साल भर से लगे हुए थे कथा, कल्लू जी को ब्याओ 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 ब्याओ। 5 दिन निकल गए, 6वां दिन भी निकल जाएगा, कल 7वां आ जाएगा, कथा विराम हो जाएगी। बस ऐसे ही बचपन गया, ऐसी ही जवानी गई, ऐसी ही अधेड़ी चली जाएगी। और आएगा बुढ़ापा, तब बचपन की याद आएगी। जैसे कल की कथा होने के बाद कभी भी याद करोगे तो कल की बारात और महिला संगीत को याद करते रहोगे। हो गया, बचपन निकल गया। पूरे सीहोर के लोगों को आश्चर्य पड़ गया, इतने सारे आ कहाँ से गए रे, कहाँ से निकले। और मुझको कल जब सबको देख रहा था तो मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही थी, जैसे बचपन में थोड़ा सा पानी जमीन में डालते थे तो चींटियां बिल में से निकल निकल के ढेर सारी बाहर आ जाती थी, सब लाइन से। आचार संहिता के कारण पुलिस प्रशासन के तो केवल थोड़े से लोग थे जो संभाल रहे थे, नहीं तो सीहोर में जब जब जुलूस निकलता है तो 50 लोग रहते हैं और 150 पुलिस वाले रहते हैं। 4-6 लोग थे, पर आप लोगों की सहनशीलता और प्रेम को नमन करता हूँ। ऐसी शालीनता से, इतने प्रेम से अपनी व्यवस्था खुद कर जा रहे थे। अभी सवेरे एक माता कह रही थी, गुरुजी कल गोवर्धन नाथ जी आए थे। हमने कहा तुम्हें कैसे मालूम, तुम्हें कैसे मालूम? कहाँ की थी वो? आम्बुआ वाली। कहाँ बैठी? हाथ उठाई हो जरा। जिसकी छाती पे गाय लात रखकर निकल गई थी। हाथ उठाओ, कहाँ बैठी हो? मेरे को दिख नहीं रहा है। बैठी है? हाँ वो बैठी। खड़े हो जाना जरा जीजा। इनकी छाती पर कल गाय लातों से रोंद रोंद कर चली गई। एक ये बेन जी और एक और है। एक और जो बेल पांव रखकर गया था अम्बो वाली, ये बच्ची, इन लोगों पे से वो बैठी, इन पे कल गाय और बेल पांव रख रख के निकल गए। अब तुम सोचो पैर रख कर गाय बेल निकल जाए तो हॉस्पिटल में होना था कि कथा में होना था। ये गोवर्धन है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया बंसी वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया बंसी वाले। स्वयं गिरिराज जी चल रहे, स्वयं गोवर्धन नाथ। और गोवर्धन नाथ जी स्वयं आगे आ गए। हमने पूछा कोई फसली मसली तो नहीं टूटी? नहीं गुरुजी, बढ़िया चकाचक। अभी आलू बड़े खाए, हरियाणा आज जो फरियाल बना था वो दोनों तरह का बनवाया था, उपास वालों के लिए आलू वड़ा रसगुल्ला और बिना उपास वालों के लिए कचौड़ी और गुलाब जामुन। और अभी सुबह का जो भोजन बन रहा है सभी लोगों के लिए, उसमें भोजन नहीं बनेगा। आज एकादशी में सबको, अरे बोलो तो फरिया सबका भाग। एकादशी करोड़ बकरी जैसे, खूब खा लेना, शाम तक की छुट्टी। क्योंकि आज अब शाम को तो मुंह दिखाई का बोला हुआ रहेगा, केवल एक अकेला। रात्रि को 8 बजे काय का बोला हुआ है? अरे जम के बोलो। अब बहू घर आए तो मुंह दिखाई तो है नहीं, तो शाम को खिचड़ी एक बार, अरे बोलो। अब तुम दे रहे हो तो मुझे खिलाने में क्या जाए? अब कार्यकर्ता भले मारे चिल्लाए पर कोई बात नहीं, अपन तो निपटाई ले, ठीक है। मुंह दिखाई का बोला हुआ मैं रात्रि को 8 बजे, 8 बजे से 8:30 बजे तक रहेगा, क्योंकि हमको फिर बाकी की तैयारियां करना है। इसलिए आधे घंटे की मुंह दिखाई का बोला हुआ रहेगा, बोला हुआ भी बढ़ जाएगा और मुंह दिखाई भी हो जाएगी। और बहुरानी घर आई है तो बधावे भी बच जाएंगे। और हमारे यहाँ ऐसा होता है हमारे कानकुब्जी ब्राह्मणों में कि जब बहू घर आती है तो चावल की खिचड़ी घी डालकर दी जाती है। अब आज चावल की खिचड़ी तो देते हैं नहीं, तो साबुदाना की खिचड़ी में घी डलवा दूं या पीपा बोलो कि ऐसी चलेगी, ऐसी चलेगी, ठीक है। नहीं कहीं गेमी का माल तो बोलो, नहीं एक आध और निपटे ही दवा। अच्छा एक काम कर लेंगे अपन, तो साबुदाना की खिचड़ी और खीर बनवाई लो, अब तो पक्का है, ठीक है। बस तो 8 से 8:30 में, चाहे सीहोर का हो चाहे बाहर का हो, ठीक है, पक्का। पर दोना में है, दोना भगवत तत्व का सुख। और भगवत भक्ति का सुख ही यही कहता है, भगवान की कथा का मूल उद्देश्य ही यही कहता है। सुबह शाम जपो राधे श्याम जपो सीता राम जपो सीता राम जपो सुबह शाम जपो राधे श्याम जपो सीता राम जपो। कोई कुर्सी दो चार कुर्सी जपो सीताराम जपो सीताराम जपो राधे श्याम जपो सीताराम जपो सीताराम। सीताराम जपो राधेश्याम जपो सीताराम जपो सीताराम जपो राधेश्याम जपो राधे श्याम जपो सीताराम जपो सीताराम जपो राधे श्याम 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 जपो सीताराम जपो सीताराम जपो राधे श्याम जपो सीताराम जपो राधे श्याम जपो सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम सीताराम जपो राधे श्याम जपो 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 सीताराम जपो राधे श्याम सीताराम जपो राधे श्याम जपो सीताराम जपो राधे श्याम जय जय श्री राधे। हमें संत नहीं बनना, हमें साधु नहीं बनना, हमें तपस्वी नहीं बनना, हमें जोगी संत महात्मा नहीं बनना। अगर हमको कुछ बनना है तो केवल एक गृहस्थी बनना, केवल एक गृहस्थी मन करत ने जीवन की। गृहस्थाश्रम में अगर रहकर एक माला भी जप ली तो बहुत है, भगवान का नाम भी ले लिया तो बहुत बहुत। शास्त्र कह रहा है भगवान कृष्ण ब्रजवासियों के साथ में माखन चोरी की लीला करें। माखन चोरी अब दुनिया की दृष्टि देखो कितनी विचित्र है। लोगों ने भगवान को चोर कहा। ये पृथ्वी किसकी है? अरे बोलो, भगवान की। पृथ्वी पर बने हुए मकान किसके हैं? बोलते जाओ, भगवान। मकान में रखा सामान किसका? भगवान। तो गोपी के घर में अगर माखन रखा था तो वो किसका था? तो फिर भगवान ने निकाल कर खा लिया, तो लोगों ने चोर क्यों कहा? दुनिया की दृष्टि ठीक नहीं। शास्त्र कहता है चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्य आत्मा को पुण्य आत्मा नजर आता है, लोभी को केवल धन नजर आता है, कपटी को कपट नजर आता है, और जो भगवान की भक्ति में डूबा रहे उसे हर एक भक्त ही नजर आता है। इसलिए श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने लिखा, परम भगवतीय वैष्णव। क्या लिखा है? परम भगवतीय वैष्णव, तो भगवान की भक्ति में डूबा है, ठाकुर की सेवा में लगा हुआ है, जिसके चित्त वृत्ति में परमात्मा समाया है, वही परम भगवतीय वैष्णव। ठाकुर जी लिख रहे हैं, सब जो भागवत की शरण में चला गया वो भगवतीय वैष्णव के पद पर बैठ गए। भगवान के चरणों में जाने वाला, भागवत की कथा में पहुंचने वाला भगवतीय वैष्णव। वैष्णवता का मूल बिंदु है। भगवान ऊपर से मना कर नहीं भेजेगा तुमको। किसको मालूम था कि आप कल्लू जी के विवाह में आ जाओगे और 7 दिन की भागवत सुन लोगे? मालूम था क्या? सीहोर वालों को ही नहीं मालूम था कि ये कथा इतनी विशाल हो जाएगी। कार्यकर्ताओं को ही नहीं मालूम था, ये तो खुद हल्के में ले रहे थे कि हे आयोजन पर हम तो कहते हैं वो खुद ही हल्का नहीं। तो मैं किस एंगल से वो हल्का दिखता है मुझे बता दो। खूब भारी हल्का ही हल्का होता तो जिस दिन सतभामा जी ने तोला था, सारी द्वारका की संपदा रख दी, धन और दौलत रख दी, अंबर पीताम्बर रख दिए, अगर हल्का होता तो तुल गया, पलड़ा नीचे झुक गया, पर हल्का नहीं। पीछे कार्यकर्ता हैं भाई व्यवस्था के लिए, पीछे की बिचार वगैरह देखिए बैठने के लिए। हल्का होता तो उस दिन पलड़ा झुक गया होगा, पर हल्का ही। वो कहता है मैं हल्का जब होता हूं जब मेरा कोई भगवदीय जीव मेरे सम्मुख में आए और जब वो प्रणाम करता है तब मैं झुककर पवन के वेग की तरह उसको उठा लेता हूं। मैं हल्का हूं। हल्का तब होता है जो वो स्वयं आवे और पवन की वेग की तरह आकर उठाए। एक कितनी सुंदर बात लिखी है गर्ग संहिता के अंदर, जिसको प्रणाम करा जा रहा है वो बड़ा होता है कि जो प्रणाम कर रहा है वो बड़ा होता है। गर्ग संहिता। जवाब दीजिए, जिसको प्रणाम करा जा रहा है वो बड़ा होता है कि जो प्रणाम कर रहा है वो बड़ा होता है? अरे बोलो जल्दी से, जो प्रणाम कर रहा है वो बड़ा होता है, ये गर्ग संहिता कहती है। इसको प्रणाम किया जा रहा है वो बड़ा नहीं है। जो झुक गया, नमनता जिसने दे दी, प्रणाम जो कर रहा है, उसकी चित्त वृत्ति में कहीं ना कहीं परमात्मा ने जो नम्रता दी है, और दुनिया का सबसे बड़ी दौलत है नम्रता रहना, नर्म रहना। जिसको प्रणाम किया जा रहा है वो बड़ा नहीं है, जिस जो झुककर नमन हो रहा है। इसलिए तो कहते हैं भगत के वश में है भगवान। अब भगवान बड़ा की भगत है? कौन बड़ा है? भगत। झुकता कौन है? प्रणाम कौन करता है? नमन कौन करता है? परम भगवदीय वैष्णव जाकर ठाकुर जी की हवेली में नमन कर रहे हैं। बड़ा कौन है? वैष्णव जी, परम भगवदीय जी जो भक्ति में रमा रहे। और भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, ओ भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनके दान, भगत के बस में, दोनों हाथों से भगत के बस में है भगवान। कल से कोई नहीं कहेगा कि आप ताली बजाओ, कल से कोई नहीं कहेगा कि नाचो, आनंद करते हुए 2 दिनों। लल्ला लल्ला पुकारे, आए क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल बताओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई हो, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, ओ भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसके प्राण, भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के बस में है भगवान। गोपाल कृष्ण भगवान। तो कोई ऐसा संत बताओ, कोई ऐसा साधु बताओ, कोई ऐसा सन्यासी बताओ, कोई ऐसा तपस्वी बताओ जिसको भगवान मिला हो। कितने संत, कितने सन्यासी, कितने तपस्वी तप कर करके मर गए, उनको भगवान नहीं मिला। और जो भगवान की भक्ति में डूबे, मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, तुकाराम, मुक्ताबाई, ये सबको उठाकर देख लो, इन्होंने इतना भगवान की भक्ति को धारण करा कि भगवान तुरंत मिल गया, तुरंत। भगवान की भक्ति का मूल उद्देश्य ही वही, केवल भाव में डूबे, भक्ति में डूबे। और जो भाव और भक्ति में रम गया, परमात्मा उसका हो गया। कई जन्म निकल जाते हैं सन्यासियों के सन्यास करते करते, और भगवान तो कहते हैं तुम साधना माधना भी मत करो। एक वो कात्यायनी व्रत करा था गोपियों ने, तो भगवान ने उनका चीर चुरा लिया। क्यों करा व्रत? कौन ने कहा कि व्रत करो? जब मैं सामने हूं तो व्रत करने की जरूरत क्या है? आपको कथा में कहा था खूब चरो और एकादशी, कौन ने कहा कि व्रत करो? तो खा बस, खूब खाओ, पर किसी के प्राण मत खाओ। व्रत लग जाएगा, व्रत लग जाएगा। करवा चौथ के दिन माताओं का व्रत रहता है, वो कहती हैं आज हमारा करवा चौथ का व्रत है, हम कुछ नहीं खाएंगे। भले वो कुछ नहीं खाती, पर दिन भर पति के प्राण तो खूब खाती है। वो उसकी एनर्जी तो पूरी, भले वो नहीं खा रही, दूसरी चीज तो खा रही, प्राण तो खा रही, तो वो अपनी एनर्जी घटने नहीं देती है। खूब खाओ। बहुत सुंदर बात है। हम हमेशा कहते हैं किसी को कष्ट देकर कभी तीरथ मत करो, कर्जा मांग कर कभी दान मत करो। क्या ना करो? दान। कष्ट देकर तीरथ नहीं करना किसी को, कर्जा मांग कर दान नहीं करना, और अपनी जितनी हैसियत हो अपना जितना पद हो उसके अनुसार खर्च करो, अधिकता में ना करो। ये तीनों चीजें अपने जीवन में जरूर उतारिए, जीवन की सार्थकता हो, जीवन की सार्थकता। भगवान दे तो खूब दान करो, नहीं दिया हो तो मत करो। और कभी ऐसा मन में लगे कि हाँ मेरे भगवान ने मुझको इतना दिया क्योंकि मेरी तो इतनी औकात भी नहीं थी, उससे ज्यादा भगवान मुझे दे रहा है, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर सत्कर्म करते। दान भी करो तो कर्जा लेकर ना, उधार किसी का करो ना उधार दो, जो अपने पास है उसकी अनुकूलता में जियो, बहुत अच्छी जिंदगी जिताओ। एक अम्मा जी पूछ रही थी, गुरुजी 25 मई से खाटू श्याम जी में कथा है, सालासर में सभामणि है, दादी रानी सती का मंगल पाठ है, झुंझुनू में जीण माता पे चुनरी उत्सव है, ये सब फंक्शन रखे हैं आपने, हम आ सकते हैं? हमने कहा बहन खूब आओ, मना नहीं है, पर थोड़ा अपना शरीर देख कर कि आप चल सको, दर्शन करो, आनंद करो और मालूम पड़े आओ, और कमरे से ही बाहर नहीं निकलो तो काहे के लिए आई फिर मैं तीर्थ में, क्या करना। हम कईयों को देखते हैं मथुरा में, वृंदावन में, वीआईपी होटल में एसी का रूम लेकर, होटल का रूम ही नहीं छूट पाता, जब तक बांके बिहारी के दर्शन करने गए तब तक तो पट्टी बंद हो जाता, तो काहे के लिए गए, क्यों पहुंचे। परमात्मा से जहां चित्त वृत्ति मन जुड़ रहा, जहां तुम्हारा चिदानंद वृत्ति परमात्मा तक पहुंच रही हो, वो सुख है। हम कई बार आपसे कहते हैं कभी ओंकारेश्वर जाना तो वो भंडारे करने वाले बाबा से मिलकर आना। दुनिया में एक बाबा ऐसा है जो दूसरे की वस्तुओं का भंडारा नहीं करता, दूसरे की चीज का भंडारा नहीं करता, खुद का करता है। साल में एक बार अपने शरीर को पत्थर से फोड़ता है, उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, कीड़े और इल्ली को अपना शरीर सड़ाकर खिलाता है और नर्मदा में कूद कर 5 दिन तक शरीर खिलाने के बाद में नर्मदा में कूदते से ही मात्र 2 दिन में उसके घाव वापिस भर जाते हैं और वो ठीक हो जाता है। ऐसे संतों को मिलो। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाओ तो ब्रज मंडल की गिरिराज जी की परिक्रमा में 4 संत ऐसे हैं जो 24 घंटे परिक्रमा लगाते हैं, जिन्होंने मल और मूत्र का त्याग तक कर दिया, कई सालों से मल और मूत्र तक नहीं जाते, केवल ऐसे संतों। हम कई बार हमारे साथ जो जाते हैं उनको दर्शन कराते हैं, ये संत पकड़ लो पाओ, ये मिलेंगे। वृंदावन जाओ तो शाम के समय पर जाकर उस साध्वी का दर्शन करो जो बांके बिहारी के मंदिर में प्रतिदिन शाम को एकादशी के, हर एकादशी के दिन शाम के ठीक 6:30 बजे मंदिर में पहुंचती है, बिहारी जी को माला दिखाती है, जैसी माला को दिखाती है बांके बिहारी के गले की माला अपने आप नीचे गिर जाती है और ये माला पहनकर चली जाती है। अपने आप संतों का दर्शन करना है तो दर्शन का सुख है, नहीं तो वो सुख मूल में, उस सुख की मूलता की। भगवत तत्व भगवान की भक्ति के मूलता। और भक्ति की मूलता का सुख ही दूसरा हो। अगर दर्शन करना है तो नर्मदा परिक्रमा में एक सफेद दाढ़ी महाराज हैं, 3 साल पहले मिले थे, वो दर्शन उनका करो। आपका वजन 50 किलो का है, 60 किलो का है, 100 किलो के हो, नर्मदा में खड़ा होता है, बस उसका एक काम है सोच निवृत्ति के लिए बाहर निकलता है, नहीं तो नर्मदा जी के घाट पर नर्मदा में खड़े होकर किसी भी घाट पर तप करता रहता है। वजन आपका बढ़ गया, कुछ मत करो, उस संत को पकड़ो, नर्मदा के कंकर उठाकर मारेगा, आपके जितने कंकर वो मारेगा उतना किलो वजन मात्र 15 दिन में कम हो जाता है। ऐसे संतों से भगवत तत्व का सुख देने वाले कपटियों से मत मिलो, छलियों से मत मिलो, जो मालूम पड़े तुम्हें दूसरे चक्कर में डालकर धन को भरकर लेकर उड़ जाए। हमारा शास्त्र कहता है, कृष्ण कहते हैं, अगर एक बार मेरा जादू हो गया तो दूसरे जादू की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई लोग मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी की हवेली में जाते हैं और हाथ जोड़कर आग बंद करके खड़े हो जाते हैं। अब इन भेरुओं को कौन समझाए? मंदिर आए काय के लिए थे? बोलो, दर्शन के लिए। तो दर्शन काय से होता? आग बंद करके कि आग खोल के? हैं, खोल के। तुम किसी के यहाँ जाओ या कोई तुम्हारे यहाँ आए और वो दरवाजे पर आके घंटी बजा के तुम्हारे घर में कोई आए घंटी बजा दे और तुम घर में से निकल के क्या बोलोगे? अरे ओ पगला, आप तो खोल ले, मैं सामने खड़ी हूं और तू आग बंद करके खड़ा है।